से सब्जी जल गई है। नहीं, उठपटांग टाइम में मैगी जी पूरी जल गई। हमने मौसम देख सकते हैं, बहुत अच्छा। सॉस और रोटी मैंने खा दी। हेलो दोस्तों, मैं निकिता बेरी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसिज बेरी व्लॉगर्स पे। तो आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं दिन के 2 बजे से कर रही हूँ, बहुत लेट हो गया है। सुबह इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारा काम था और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप आई हुई है। अभी मैं दुकान पर बैठी हुई हूँ। कल के व्लॉग में देखा होगा आपने, मैंने बोला था कि मैं आपसे रोज़ डेली व्लॉग्स डालूंगी। आजकल मैं घर पे ही हूँ, इधर उधर तो नहीं जा रही हूँ, तो घर पे ही व्लॉग्स बनाती हूँ, घर के ही व्लॉग्स डालूंगी। आपको अच्छा लगा या गंदा लगा कमेंट पर ज़रूर बताना। इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे हम लोग आगे को। और मौसम दिखा देती हूँ मैं आपको, आज का मौसम देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। बट बस मौसम साथ दे दे आज, क्योंकि मुझे सब्जी बोनी है। आजकल बहुत बारिश आती रहती है यहाँ। और अभी मैं बैठी हुई हूँ दुकान पे, वो तो घर पे नहीं है, किसी काम से मार्केट गए हुए हैं। तो गाइज अभी शाम के बज गए हैं 6 और अभी तक मैं ये खेत में ही साफ करने में थी। आज मैंने सब्जी भी बो दी है इस खेत में, देख सकते हो आप इतना साफ लग रहा है। और अभी ये दुकान में कर रहे हैं पूजा पाठ, देख लो ये। और थोड़ी मिट्टी और निकाली हुई है मैंने फूल वूल बोने के लिए। अब मैं फूल के बीच लाऊंगी ना, उसके बाद बोऊंगी। गाइस मुझे मच्छरों ने इतना काट दिया था ना, बाप रे, मत पूछो यार, मैं तो परेशान हो गई थी भाई। आज मैं फिर से लौकी की सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि रखे रखे सड़ जाती है ना, इसलिए सब्जी काम भी आनी चाहिए। आजकल मैं खाना लौकी वौकी खाना सीख रही हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं ये सब्जियाँ खाती नहीं हूँ, कद्दू लौकी वौकी। किसी के वहाँ होती होगी तो बता देना, इस बार यहाँ हुई नहीं है। कद्दू तो देखने को ही नहीं मिल रहे हैं यहाँ करके, बताना। और मैंने कुत्ते के लिए कहा था, प्लीज यार हमें चाहिए यार, प्लीज बताना। आज मुझे मेरे हाथ में छाला हो गया, मैं दिखाती हूँ इस हाथ में, ये देखो ये सब्जी, और देखो मेरे हाथ में छाला। ये आज मैंने खोदा ना खेत हल्का सा, पहले बीच में खोदा था, रोज़ रोज़ बारिश आने में थी, तो आज खोदा खेत, फिर सब्जी वब्जी बोई, तो छाले हो गए मेरे हाथ में। पहले मैं जब आटा गूंथती थी तब हो जाते थे मेरे छाले, क्योंकि मैं बहुत कम गूंथती थी आटा, मेरे को पसंद ही नहीं था। मैं सोचती थी कि मेरी शादी होगी तो मैं आटा कैसे गूंथूंगी। बड़े मुश्किल से मैंने यहीं आके आटा गूंथने का वो करा, नहीं थे चुपके ये चुपके चुपके गूंथ देते थे आटा, मुझे पता भी नहीं चलता था। क्योंकि मैं दही मिक्स कर रही हूँ आज भी, और रोटी बनाएंगे, मस्त रहेंगे, खाओ पियो मस्त रहो एकदम, टेंशन मत लो, लाइफ में टेंशन आती जाती रहती है। और ये है मक्के, छुटके छुटके से हो रखे हैं, थोड़े और हो रखे हैं, मैंने मक्के निकाले नहीं है, हो रहे हैं वो, तभी मैंने उखाड़े नहीं आज मक्के। ये हो रखे हमारे मक्के से, तो कर देती हूँ मैं इसको, भून देती हूँ अभी नहीं, बाद में भूनूंगी खाना ना खाने के बाद। और मैं थोड़ा दूध पी लेती हूँ, ताकत आएगी मुझे थोड़ी, मैं बहुत पतली हो रखी हूँ गाइस। कोई भी मेरे को सामने मिलोगे ना कभी, मेरे से बोलोगे हैं फोन में ऐसी दिखती है और सामने कितनी पतली है, कुछ खाती नहीं है, ऐसा ही बोलोगे। तो मैं सब्जी वब्जी बना लेती हूँ। मेरे मगरमच्छ के आंसू, रोना रहे, खाना बना रही हूँ करके। हमें डॉग इसलिए चाहिए, पहले हमारा एक डॉग था ब्लैकी, इतना अच्छा डॉग था ना, पता नहीं उसको वो ऐसे ही घूमने गया था, पता नहीं उसको किसने चोर किया, उस दिन अपने आप ही वो भाग गया, हमें पता ही नहीं चला, यहाँ सरात था तो पता नहीं कहाँ गया। हम रुके थे आएगा करके, शाम को हम ढूंढने गए उसे, कितना आया ही नहीं तब से वो। इतने उटपटांग टाइम में मैगी खाने का मन हो रहा है ना, तो मैं मैगी बना लेती हूँ।
कोई बोलता होगा भाई दुकान है तो दुकान में से ले जाते रहती है सामान, पैसे में लाती हूँ यार पैसे में, फ्री में नहीं देते मुझे सामान। लो जी मेरी 2 मिनट वाली मैगी रेडी हो गई है, और ये मेरी रोटी, एक रोटी बची थी, रोटी है ये। और 2 मिनट वाली मैगी, वाव मुँह में पानी आ रहा है, ऊपर से सॉस, वाव सॉस। सॉस और रोटी मैंने खा दी, थोड़ी उनको देके आ गई मैं, और अब ये मैगी का आनंद लेते हैं। हाँ फोन में लगे रह गई, और यहाँ मेरे से सब्जी जल गई है, मेरे को कहीं डांट पड़ेगी यार, सब्जी जल गई है, सब्जी पूरी जल गई, अब निकालनी पड़ेगी ये।